20 अप्रैल को खत लिखा था और मैंने कहा था अगर आपने ये ग्रोथ रेट्स पे करनी है चांसेस तो ये सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है। आप बेसलाइन बनाए, बोले जी सबको 2.5% ग्रोथ है या 10% ग्रोथ है या 1% ग्रोथ है, नई सेंसस आ जाएगी। सेंसस का मकसद होता है कि हर बंदे को गिनना है। फिर मैंने एहसन इकबाल साहब से आज बात की, उनको मैंने अपने खदशात बताए। इन द मीनवाइल जो मैंने देखा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, और मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाऊंगा अभी, जो उनकी टैबलेट्स हैं उसमें मैसेज आ रहा है उन जगहों पे कि जी आपका जो पीरियड था सेंसस का वो पहली मार्च से लेके, पहली मार्च को शुरू हुआ तो वो पहली मार्च सबकी है, कोई 30 अप्रैल बता रहा है, कोई 15 अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, 15 अप्रैल बता रहा है, कोई 15 मई बता रहा है। मुझे तो शदीद खदशात हैं कि जो हमारे नंबर, और ये मैंने सारी चीज़ें एहसन इकबाल साहब को भेजी हैं, ये मार्च 1 से अप्रैल 30th, अब ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। हमें सेलेक्टिवली कुछ ब्लॉक्स हमारे शायद बंद करके और हमारी पॉपुलेशन को गलत बताया जा रहा है, और इसकी प्रूफ अभी एविडेंस भी दूंगा मैं, मैंने पहले भी दी थी और अभी भी एविडेंस दूंगा मैं कि हमारी पॉपुलेशन है क्या और होनी की बता क्या रहे हैं, हमारे हिसाब से हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक क्या है। तो ये चीज़ें सामने आई, मैंने एहसन इकबाल साहब को बताया। पहले तो मैंने उनसे शदीद एहतजाज किया कि अगर आपने जारी रखना है तो पूरे पाकिस्तान में जारी रखें, आप पूरे पाकिस्तान में बंद करें, इससे मेरी रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होंगी जो सेंसस की है। ये नहीं कि अगर 5 दिन अभी और बढ़ा दिया, अभी बड़ा एहसान करते हैं, हर जगह कहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर सिंध के कहने पे हमने 30 अप्रैल से 15 दिन सिंध में बढ़ा दी तारीख। पहले जो है इन्होंने एहसान किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ एहसान नहीं चाहिए, मुझे बराबरी चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे पूरा गिना जाए। और अपना ये मैंने इनको बताया कि जी अगर आपने शुरू करना है, बंद करना है, हर जगह करें, बट अगेन और यहाँ सबको एक्सटेंड करें। एक्सटेंड करने से मैं फिर ये उनको कहा है कि मेरी रिजर्वेशंस ख़त्म नहीं होती, यानी कि आप कहते हैं ये हमने सीएम के कहने पे या हुकूमत सिंध के कहने पे 5 दिन बढ़ा दिया, अब खुश, हम खुश नहीं हैं, इसलिए आप हमें सही नहीं गिन रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, जहाँ तक मुझे है, मैं ऑब्वियसली ये चीज़ कैबिनेट पर ले जाऊँगा उनसे राय लेके, और फिर मैं CCI में अपनी राय पेश करूँगा। इस सूबे की पॉपुलेशन को ये हुआ क्या था सारा मसला? अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि जी 2000 जो सिंध की पॉपुलेशन ही इन्होंने दिया है, एक जो कल सारी दी है, 3.17% पर एनम ग्रो की है, ये तो बहुत ग्रोथ हो गई, ठीक है जी। और पंजाब की कम की है, बलूचिस्तान की तो हमसे भी ज़्यादा की है, तकरीबन 10% ग्रो की है 2017 के मुकाबले में। तो इसलिए अब सिंध को बंद कर दें, पंजाब की 1.5% से कम उसको चालू रखें। ओ भाई, मैं फिर इनको समझाने की कोशिश की, फिर समझा रहा हूँ आपके तवसुत से, अगर आप लोग ये कन्वे कर सके। तो सारा मकसद ही हमारा ये था कि 2017 की पॉपुलेशन गलत थी, जब बेस ही गलत है तो अब ग्रोथ जो भी बलूचिस्तान की 10% जो ग्रोथ हुई है मेरे ख्याल जायज़ है, इसलिए कि बलूचिस्तान को 2017 में आपने सही नहीं गिना था। अब लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, अब सिंध की कोशिश से ये चीज़ें पब्लिक हो रही हैं, रोजाना के नंबर्स आ रहे हैं। पहले तो जो सेंसस जिस दिन शुरू हुआ था और एक दिन ख़त्म हुआ था उसके 15 दिन में कहा जी आपकी पॉपुलेशन है, करना है जो कर लो। 2017 में पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी 207 मिलियन के करीब थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। खैर, जो हाउस होल्ड एवरेज हाउस होल्ड साइज था पंजाब का 6.43, यानी एक खानदान में 6.43 लोग, KPK का 7.13, बलूचिस्तान का 6.97 ऑलमोस्ट 7, इस्लामाबाद का 5.86, ये 2017 की बात कर रहा हूँ, और सिंध का 5.55, यानी सबसे कम। मैंने उनसे कहा कि भाई सिर्फ एक छोटा सा काम कर लो, हमें बराबरी दे दो बाकी सबके साथ। हम मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादा पॉपुलेशन है कम है, इन सारे बाकी 3 सूबे और इस्लामाबाद की पॉपुलेशन का एवरेज बनता है 6.6। हमारे जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो उस वक्त थे 8.626 मिलियन, इसको 6.6 से ज़रब दे दो, हमारी पॉपुलेशन बनती है 57 मिलियन राउंड ऑफ कर लो। जो आपने 47 मिलियन हमें गिना था वो एक्चुअली 57 मिलियन थी 2017 में, और ये मेरी डॉक्यूमेंटेड CCI में मौजूद है ये आर्ग्यूमेंट, और मैं बड़ा खुश हूँ कि ये मेरी आर्ग्यूमेंट दुरुस्त साबित हुई आज, कि उस वक्त हमारी पॉपुलेशन 57 मिलियन थी, आपने हमें गलत गिना था। और आज भी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और आपने गलत गिना, तो अभी भी 8 मिलियन के करीब पॉपुलेशन हमारी कम काउंटेड है, 7 मिलियन के करीब, ये नंबर्स के साथ है। हम क्यों नुकसान खाएं? हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये सेंसस जब तक आप हमें सही नहीं गिनोगे।
और हमें सेटिस्फाई करो। मुझे कुछ बताने लगे कि जी सैटेलाइट इमेजरी और फलाना, मैंने कहा तो फिर सेंसस की जरूरत क्या थी भाई, पहले दिन सैटेलाइट इमेजरी से तुम सारा सेंसस कर लेते, ये गिनने की क्या जरूरत थी। इफ दिस इज द राइट वे कि जी आप सैटेलाइट से गिन सकते हैं सारे लोग, ओ भाई तो कर लो ना भाई, ये फिर क्यों इतने 30 अरब पता नहीं कितने अरब रुपए खर्च किए, वैसे गिन लेते ना, हमें गिन के सेटिस्फाई करो। और सेटिस्फेक्शन मैंने पहले कहा था, अब कह रहे कि जी हाउस होल्ड, उन्होंने कहा बलूचिस्तान का एग्जाम्पल दिया मुझे और सिंध में एक आध जगह का, कि जी सैटेलाइट से देखा गया तो वहां 100 मकान थे और आपने 200 किए, फॉर इंस्टेंस मैं ऐसी कह रहा हूँ। तो मैंने कहा तो मैंने पहले दिन कहा था कि जब मकानात की घर शुमारी हो जाए तो आप 1 महीना उसको वेरीफाई करो पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। आपने मेरी बात नहीं मानी, सेंसस को आपने 3 महीने कर दिया लंबा, जबकि इनिशियल प्लान था कि इसको महीने में ख़त्म करना है। तो आप वो 1 महीने अगर घर शुमारी में गुजार देते और उनको वेरीफाई कर लेते तो आज ये मोहब्बत ना आती। लेकिन एक बार मेरे घर शुमार हो गए तो उसको काउंट भी करना है तुमने, अब ये नहीं कह सकते कि जी 100 करते उससे ऊपर नहीं करूंगा। और कराची इन्होंने काउंट किया है 19.0 मिलियन, 19 मिलियन समझ लें, और मेरे हिसाब से 20.3 मिलियन है, 13 लाख कराची को भी कंपाउंड किया है। पूरा सिंध इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट अंडर काउंट किया है, ये हमें मंजूर नहीं है। हमारी पॉपुलेशन राउंड बॉल पार्क फिगर 65 मिलियन के करीब आनी चाहिए, यह हमारे साथ जाती हो रही है। मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले भी इसको ऑब्जेक्ट किया था, मैं दोबारा करूंगा। आज मेरी एसएन इकबाल साहब से बात हुई, उन्होंने बड़ी तामुल से मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा मैं एड्रेस करता हूं, लेकिन ये एड्रेस ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, एड्रेस करने के लिए आपने हमें सही गिनना पड़ेगा। कश्मोर, घोटकी एंड शिकारपुर के कई इलाकों में सेंसस नहीं हुआ है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, मैं आपसे एडमिट करता हूं, प्रॉब्लम तो हमारे साथ है। अच्छा, उधर एक फुटनोट देते हैं मुझे, वो मैंने आज एसएन इकबाल साहब से कहा, ये केपीके का जब देते हैं ना, कहते हैं दिस डज नॉट इंक्लूड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ केपीके। अगर आप किसी जगह पे कदम नहीं रख सकते हो, आपके लोग नहीं जा सकते हैं, तो उधर लोग रहते कैसे। खुदा के वास्ते इस मुल्क के मुस्तकबिल से इस तरीके से ना खेला जाए, हमें अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। आज मेरी इरिगेशन मिनिस्टर से बात हुई, मैं उसको लिख भी रहे, इस वक्त 40% शॉर्टेज है सिंध के अंदर पानी की, और हमें फिर खतरा हो रहा है। हमने बहुत सफर किए पिछले साल, सैलाब में पानी जब ज्यादा हो जाता है डूबता सिंध है, और ड्राउट होता है तो सबसे पहले सिंध को अफेक्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये जो डैम्स बनाते हैं ना, उसका मकसद ही ये होता है कि पानी को कंट्रोल किया जाए और लोअर आइपेरियन को पहले पानी दिया जाए, और अगर सैलाब आ रहा है तो पानी को रोका जाए। हमारे ये उल्टा हिसाब है, सैलाब आए तो इसको डुबो लोअर आइपेरियन को, पानी कम हो तो उसको स्टोर करो ताकि हम जो बाद में हमारी फसलें हो, ये नहीं चलेगा भाई।